एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजोनी सैभं गुर प्रसाद हर अमृत वेले वत्ते का बीजिया भगत खाए खर्च रहे निखुटे नाही अमृत वेला सच नाम वड़े आई वीचा धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की बाणी ने अमृत वेले दी अपनी एक महानता अपने बोलन विच अपने शब्दों विच दर्शाई है। दरअसल देखा जाए प्रकृति ने जो साढ़े शरीर की यह सिरजना की है इस विच रुत दा ते वक्त दा अपना प्रभाव है। मौसमी खजान चारों पासे प्राकृतिक मंडल उदास दिखाई देता है। झड़ रहे ने पत्ते और चल रही ने हवावां डोल दिया शाखा अपना शिंगार बदल रही ने उदास दिखाई दे रही नगन दिखाई दे रही ने ये शाखा दरख्तां दी हूबहू मनुख ते मन की प्रकृति भी कुछ इस तरह जो है देखने को मिलती है। जर्रा जर्रा पत्ता पत्ता खिड़िया हुआ है। मौसमी बहार है। धरती ने मानो बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है। किधरे पीले रंग का किधरे गुलाबी रंग का किधरे चिट्टे रंग का इतने सुंदर श्रृंगारमयी वस्त्र धरती का चप्पा चप्पा सुहावना हो जाता है। यह मौसमी बहार मनुख दे मन दे उते भी अपना एक खास असर पाता है। गर्मी की रुत आ गई है। मन की हालत कुछ और हो गई है। ठंड आ गई है। शरीर ठिठर रहा है तो रुत तो और समय तो मन प्रभावित है तन प्रभावित है। सर्दी आ गई है सानू कपड़े बदलने पैंदे ने मोटे कपड़े गर्म कपड़े लबने पैंदे ने और गर्मी मजबूर कर देंदी है गर्म कपड़िया नू एक पासे करन ते। हूबहू जो समा है दिन दे चार पैर रात दे चार पैर जिथे रुत दा असर है मौसम दा तन ते मन ते असर है उथे चार पैरां दा जिसनू समय कहते ने वक्त कहते ने इसका भी मन दे उते तन दे उते अपना प्रभाव है। आदि काल तो संत जना दी पकड़ विच आई एक गल कि रात का जो चौथा पैर है अगर मनुख समय सिर वाकई रात दे पहले पैर दे अंत होंदे होंदे सो गया तो शरीर दी नींद रात दे चौथे पैर दे आरंभ होंदे संपूर्ण हो जाती है। अखां खुल जांदियां ने। यह गल वखरी है अगर मनुख समय दे मुताबिक सुता नहीं तो फिर मुश्किल है कि अमृत वेले ये उठ सके। वक्त सिर सो गया नियम पूर्वक तो प्रकृति जगा देंदी है। असी देखते हां प्रकृति पंछियों नूं जगा देंदी है पशुओं नूं जगा देंदी है क्योंकि उन्हां दी नींद स्वाभाविक है प्राकृतिक है। रात दे पहले पैर दे अंत होंदे आउंदे आ चिड़ियां पंछी पशु करीबन करीबन सो जांदे ने। रात दा चौथा पैर आरंभ होया है चह चहांदे हुए पंछी उठ बैठदे ने गौआं उठ बैठदियां ने बछड़े बोलन लग पैंदे ने गौआं दे सारे दा सारा पशु पक जगत समय तो प्रभावित है। वक्त सुलंघा है वक्त जगा देंदा है। मनुख ने अपनी नींद नूं प्राकृतिक नहीं रहन दिता और किधरे किधरे अपने जागरण नूं भी प्राकृतिक नहीं रहन दिता।
वैसे तो देखा जाए इदा खान पान पैराम भी प्राकृतिक नियम के मुताबिक नहीं है। यही कारण है कि जैसे मनुख प्रकृति तो दूर होंदा गया परमात्मा तो भी दूर होंदा गया। परमात्मा दे निकट आन लई इसनू प्रकृति दे निकट आना ही पएगा, प्रकृति दे प्रभाव नू कबूल करना ही पएगा और उहदी नियमावली नू जिंदगी दा अंग बनाना ही पएगा। तो बहुत पुराने समय तो जो अध्यात्मिक चिंतन करदे सन हर वक्त मन नाल जिन्हां दी घोल रहिंदी सी, मन दी साधना ते तल ते जीण वाले अंतरमुखी पुरुष, उन्हां दी पकड़ विच आया रात दा चौथा पैर भजन लई बड़ा सहायक है, बहुत सहायक है, मदद करता है। किंग ने ढंग नाल भोजन कीता होवे रात नू तो भोजन आलस पैदा करके नींद ले आउंदा है। ये नींद उस भोजन नू पचा देंदी है और जब नींद पूर्ण तौर ते पचा देंदी है भार हल्का आउंदा है, आलस मध्यम आउंदा है, ये जाग पैंदा है। दोबारा शरीर नू भोजन दी लोड़ है ते हुण शरीर नू भजन दी भी लोड़ है, मन भजन भी चाहता है। इस समा किंग ने 100 लुकमे दिन दे ते 1 लुकमा सुबह दा, सारी दिन दी साधना ते अमृत वेले दे 1 पल दी साधना बराबर हो जाती। समा मदद करता है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ते साफ कहंदे ने जे 1 होए ता उगवे रुती हों रुत होए। एक ते बीज ठीक होवे मुकम्मल होवे पर बीजन वाली रुत भी ते चाहिदी है। मौसम दे अनुकूल जो किसान बीज नहीं बीजदा सही ढंग नाल प्रफुल्लित भी नहीं होंदा, वो पूर्ण फसल नाल अपने घर दे कोठे भर भी नहीं सकेगा। तो ये जो रात दा चौथा पैर है इसनू साडे देश दे प्राचीन सनातनी ऋषियां ने कहा ये ब्रह्म मुहूर्त है, ब्रह्म दे चिंतन दा समय है, ब्रह्म नाल जुड़न दा वक्त है। इसनू धन गुरु नानक देव जी महाराज ने अमृत वेला आख्या, ऐसा समा जद अमृत दी वर्षा हो रही है। इसनू इस्लाम दे महान बानी मोहम्मद साहब ने कहा अलल सुबह, अल्लाह दी सुबह, अल्लाह दी सवेर, वो सुबह जो सुभावक अल्लाह नू चेते करा देंदी है। थोड़ी जिया भी किसी मनुख दे अंदर अंतरमुखी होण दी जागृति है तो यह समा बहुत मदद करता है, बहुत मदद करता है। धन गुरु रामदास जी महाराज का फरमान हर अमृत वेले वत्थे का बीजया भगत खाए खर्च रहे निखुटे ना। अंतस्करण दी धरती देच जो अमृत वेले नाम दा बीज बो छड़दा है बरकता नाल झोलियां भर जांदियां ने, ओ लोक परलोक अपना सुहेला कर लेंदा है। इस समय जो जागे है और इस समय जो बंदगी विच लीन होया है दुनिया भर दे बंदगी ते पुगे हुए पुरुष संत जन उस साधुक तो फिदा जांदे ने, अवतारी पुरुष भी जो है सदके जांदे ने। भाई साहब भाई नंदलाल ते कहंदे ने शबद कुर्बानी खाके राहे संगत दिले गोया हमीं बस आरजू कर, इक्को ही आरजू रह गई है हे गुरुदेव अमृत वेले जिहड़ियां संगतां थोड़े मार्ग ते चल पैंदियां ने उन्हां दे कदमां दी खाक मैनूं बना। वो कदम बड़े पावन है, वो चाल वली महान है, अमृत वेले दी चाल गुरु दी तरफ दरअसल परमात्मा दी चाल है। ये परमात्मा दी तरफ चलना है और ये परमात्मा तक पहुंचने का एक महान वसीला है। भाई साहब भाई नंदलाल ते इत्थे तक कहंदे ने थोड़ी जिहा भी जिस किसी दे अंदर जागृति पैदा हुई है उसने एक गल समझ ली है कि अमृत वेले जो सुत्ता रह गया है
मानो उदी नींद हराम है, वो हराम सोया है। बेदारी अस्त जिंदगी ऐ साहेबान शौक, गोया हराम कर दन आइंदा ख्वाब सुबह। थोड़ी जी बेदारी जागृति किसी के अंदर पैदा हुई है, उस मनुख ने आइंदा दे वास्ते अमृत वेदे का सोना मानो हराम कर छड़दा है, भाव नहीं सोंदा। स्वभावक वो जागदा है और अमृत वेले तो लाभ उठांदा है, उस समय तो लाभ उठांदा है। भाई गुरदास जी ते एक प्रार्थना कर दें अकाल पुरख दे अगों। आप कहंदे ने नख सिसलो सगल अंग रोम रोम कर, काट काट सिखन के चरण पर वारी है। हे परिपूर्ण परमात्मा, मन दी ए भाव दशा बनी है कि पैर दी उंगलियों दे नाखून तो लेके सिर दे केसां तक नख सिसलो सगल अंग रोम रोम कर, समुचे शरीर दे रोम रोम दे टुकड़े कर देते जान मेरे शरीर दे। मेरी ए चाहत मेरी ए मंग फिर इना टुकड़िया नु की करिए, काट काट सिखन के चरण परवारिए, इना नु कट कट के पुरजा पुरजा करके गुरु के जो सिख ने उन्हां दे कदमां तो सदके करो, उत्थे निछावर करो, फिर भी आखिर मास दे टुकड़े ते बचनगे, की करिए। आप अगां चल के कहने ने अगन जराए ताहे पीसन पिसाए, ले उड़े पवन होए अनक प्रकारिए। फिर मेरे मास दे टुकड़िया नूं जला देना, बचियां रहन जो हड्डियां उन्हां नूं पी देना, फिर पवन राणी दे चरणां च बेनती करनी, जोदड़ी करनी मेरी राख नूं ते हड्डियां दे जरियां नूं उड़ा के ले जाए। आप कहंदे ने अगन जराए ताहे पीसन पिसाए, ले उड़े पवन होए अनेक प्रकारिए। तो पवन उड़ा के ले जाए, आखिर पवन हर वक्त इस खाक नूं और हड्डियों दे चूरे नूं अपने कोल रख नहीं सकती, किधरे ना किधरे ते सुटेगी। तो भाई जी कहंदे हां हां ए सुटे, पर किथे सुटे है। जत कथ सिख पग धरे गुरु पंथ प्रात, ताहूं ताहूं मार्ग ने भस्म को डारी। जिधर किधर किसे भी शहर देच किसे भी कस्बे च किसे भी थां ते सिख अमृत वेले उठ के सत्संग दी तरफ चल पे है। पवन राणी नु कहना मेरी मांस दी खाक ते हड्डियां दे चूरे नु उस दे कदमां दे च विछावे, उस दे रस्ते दे च विछावे। जत कत सिख पग धरे गुरु पंथ प्राप्त, ताहू ताहू मार्ग ने भस्म को डारिए, दहतहि पद पावकत चरण लिव लागी रहे, दया के दयाल मोहे पथत उधारी। हे परिपूर्ण परमात्मा, इस तरीके नाल मैं पथत दा भी उधार हो जाएगा। दरअसल अमृत वेले गुरु दी दिशा और जान वाले मनुख दे कदम अत्यंत पावन है, महान है। चाहो नाल उमंग नाल जो समय सत्संग दी तरफ चल पे है, जुड़ के कीर्तन सुन रहे है या बैठ के वाहेगुरु मंत्र दा जप कर रहे है, देवी देवते उस तो फिदा जांदे ने, कुर्बान जांदे ने, सदके जांदे ने। भाई गुरदास जी ने इस संबंध च जो एक पौड़ी दी रचना कीती है, बेशकीमत है और बेमिसाल है। आप कहंदे ने चरणों दुख होए सुरसरी, तज बैकुंठ जगत विच आई सुरसरी गंगा। मिथ ये कह रही है
गंगा ब्रह्मे दे करमंडल दा जल है, विष्णु दे चरणां दा जल है, शंकर दियां जटावां दा जल है। ऐसा साडे देश दे प्रचलन है इस मिथ दा। करमंडल दा पानी विष्णु दे चरणां ते डोले है ब्रह्मे ने, ए जल आन के गिरे है शंकर दियां जटावां च, और उस दे चों ए निकली गंगा दी धार। ठीक जैसे गंगोत्री बहुत उच्ची एक चोटी जद निकल दी है, धारा छोटियां छोटियां भी लग दियां ने, वाकई जैसे शंकर दियां जटावां, और उना दे चों टपकदा होया ए बूंद बूंद गंगा दा जल। खैर इस मिथ नूं जो रूप दिता है भाई साहब भाई गुरदास जी ने, वो काबले सुनीद है। चरणों दुख होए सुरसरी तज बैकुंठ जगत विच आई, 900 नदी 99 68 तीर्थ अंग समाई। इस पृथ्वी देते 12 मास वगन वालियां नदियां भाई गुरदास जी की गिनती के मुताबिक 999 ने, एक घट 1000 जो 12 मास दरिया बगदे ने। भाई जी कहने 999 नदियां दे चों गंगा सिरमौर है, उसके जल की अपनी खूबी है। हर नदी का जल अलग अलग है, हर थां दी वायु अलग अलग है, हर जगह रेत दे जर्रे अलग तासीर रखते हैं। यही कारण है कि जब कभी किसी का कोई रोग औषधियां नाल ठीक ना होवे तो पुराने हकीम कह दिता करदे सन, तू आबो हवा बदल ले, पानी बदल ले, हवा बदल ले, टिकाणा बदल ले। और ऐसा देखने विच आया है वाकई टिकाणे दे बदल दया आब हवा दे बदल दया वो तंदुरुस्त होया है, वो ठीक होया है। हवा किसे शरीर ले अमृतमयी हो सकती है, जल किसे शरीर ले अमृतमयी हो सकता है। गंगा दा जल शरीर ले इतना लाभकारी मनिया गया कि प्राचीन जो वैद सन हकीम सन शरीर शास्त्री सन उना दी रसना तो निकले ते अमृत है, इति शरीर ले लाभकारी है। दरअसल आत्म चिंतन कर ले अगर शरीर ठीक नहीं तो फिर मन दा आत्म चिंतन करना भी कठिन है, औखा है। शरीर दा स्वस्थ होना लाजमी एक शर्त है कि शरीर स्वस्थ रखन विच गंगा दा जल वाकई अमृत दा ही कम करदा सी, एक महान औषधि दा कम करदा सी। बहुत सारियां खूबियां इस विच देखियां गईयां। जड़ी बूटियां नाल स्पर्श करदी होई ए धारा जद मैदानी इलाके विच आउंदी है तो जड़ी बूटियां दा रस ते उना दी तासीर भी लेके आउंदी है। जद इसका कोई पान करदा इस जल दा तो शरीर नवा नरोआ हुंदा है, शरीर दे इस जल दा अमृतमयी प्रभाव पैंदा है। एक गल वखरी है, उस जमाने च कहा गया सी इस विच कपड़ा निचोड़ना और थुक सुटना महापाप है, जबकि अब बड़े बड़े शहरां दे गटर इस गंगा विच पै रहे ने, महापाप व्यापक पद्धर ते हो रहे हैं, महान गुनाह व्यापक पद्धर ते हो रहे हैं। अमृतमयी जल नूं किसे हद तक विष बनाया जा रहा है। मनुख ने जैसे अपना जीवन विष बना लिया है, ये अमृतमयी हवा नूं अमृतमयी जल नूं थां थां ते विष बनाउण दे जो है तुलिया होया है। किधरे दी हवा खराब की थी और किधरे नदी नालियों दे जल दे प्रवाह में इसने खराब किया है, गंदा किया है, मलिन किया। खैर ये एक अलग विषय है, ये जल अमृतमयी है। इस वास्ते भाई साहब भाई गुरदास जी कहंदे ने 999 नदियां दे चों गंगा सिरमौर है, 900 नदी 99 68 तीर्थ अंग समाई। 68 तीर्थ इस
ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਵ ਪ੍ਰਯਾਗ, ਰੁਦਰ ਪ੍ਰਯਾਗ, ਕਰਨ ਪ੍ਰਯਾਗ, ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼, ਹਰਿਦਵਾਰ, ਬਨਾਰਸ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਦਾ ਸੰਗਮ ਇਤਿਹਾਸਕ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਤੀਰਥ ਇਸ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਗੰਗਾ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਸਵਾਇਮਾਨ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਲਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 68 ਤੀਰਥ ਗੰਗਾ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। 68 ਤੀਰਥ ਅੰਗ ਸਮਾਈ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਮਹਾਦੇਵ ਲੈ ਸੀਸ ਚੜਾਈ। ਇਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਸਰੇਵੜੇ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ਬੜੀ ਬੜਿਆਈ। ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਉਪਮਾ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਤੱਕ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਵਗਦਾ ਹੋਇਆ ਇਤਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਜਲ, ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਧਾਰਾ, ਤੂੰ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਦੀ ਵੀ ਗੰਗਾ ਦਾ ਜਲ ਬੋਤਲਾਂ ਚ ਰੱਖ ਦੇਈਏ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਦਬੂਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਗਵਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਐਸੀ ਇੱਕ ਔਸ਼ਧੀ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਚ ਨਵੀਨਤਾ ਨਿਖਾਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਵਾਕਈ ਇਹ ਜਲ ਜਲ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅੰਕਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਨ ਗੰਗਾ ਬੈਕੁੰਠ ਲਖ, ਲਖ ਬੈਕੁੰਠ ਨਾਥ ਲਿਵਲਾਈ। ਇੱਕ ਗੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦੇ ਕਰਮੰਡਲ ਦਾ ਜਲ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਹੈ ਕਰਮੰਡਲ ਦਾ ਜਲ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਮਸਤਕ ਦਾ ਜਲ, ਔਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਲ। ਸਨ ਗੰਗਾ ਬੈਕੁੰਠ ਲਖ, ਔਰ ਇੱਕ ਬੈਕੁੰਠ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਬੈਕੁੰਠ, ਲੱਖਾਂ ਗੰਗਾ, ਲੱਖਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਲ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਮਸਤਕ ਦਾ ਜਲ, ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮੰਡਲਾਂ ਦਾ ਜਲ। ਸਨ ਗੰਗਾ ਬੈਕੁੰਠ ਲਖ, ਲਖ ਬੈਕੁੰਠ ਨਾਥ ਲਿਵਲਾਈ। ਸਾਧੂ ਧੂਰ ਨ ਪੁਜਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਗੰਗਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਦਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹ ਇਤਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਨ ਕੇ ਚਰਨ ਤੀਰਥ ਕੋਟ ਗੰਗਾ। ਐਸਾ ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੂੜ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਗੰਗਾ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਚਰਨ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੇਗਾ ਰੇਤ ਦੇ ਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸੀਰ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਇਤਨੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਗਮੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਚਹਿਚਹਾਟ, ਕਲੋਲ, ਖੇੜਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ। ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਉੱਠ ਬੈਠਾ ਹੈ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਲਈ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭੇਟ ਹੈ ਉਹ ਭੇਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਰੱਖ, ਭਾਵ ਉਹ ਸਮਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਹੈ। ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਅਲੱਗ ਵਕਤ, ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਦਾ ਅਲੱਗ, ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ, ਔਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਬੰਧ, ਆਰਥਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ,
ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੇ, ਪਰ ਰਾਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪੈਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਈਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੀ ਅਰਪਣ ਕਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਰਪਣ ਕਰ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ ਰੱਖੀ, ਸੁੱਤਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈ, ਉੱਠ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਔਰ ਇਹ ਉੱਠਣਾ ਇੱਕ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਉੱਠਣਾ ਇੱਕ ਇਬਾਦਤ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਅੱਲਾ ਦੀ, ਇਹ ਸੁਬਹ ਇਹ ਸਵੇਰ ਇਹ ਮਹੂਰਤ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਇਆ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਜੇ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਲ ਵੀ ਬੰਦ ਨੇ। ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ 90% ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਰਥਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਛਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਮ ਜੁੜਨ ਵਿੱਚ ਬਾਧਾ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਜਗਤ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਤਰੰਗਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਉੱਠ ਬੈਠ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਤਰੰਗਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜੋ ਬਰਸ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੂੰ ਪਾਤਰ ਬਣ ਸਕੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਪਾ ਸਕੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐਸਾ ਕਿਹਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਮ ਵੜਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਤੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੂੰ ਕਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਭਰ ਵੀ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤਰੰਗਾਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੀਆਂ ਜੋ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚੇਤਨਾ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਰੀ ਸੁਕੜ ਗਈ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਚਿੰਤਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਹ ਵਕਤ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨਿਰਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਠਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨਿਰਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ। ਔਰ ਜੈਸੇ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਜੋਤ ਮਹਾਂ ਬਲਸੂਰ, ਤਿੰਨਵੇਂ ਰਾਮ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਮ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਂਬਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯੋਧਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੂਰਬੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇਸ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।